वेलकम टू ईशानी वीडियोस। राधा मोहन के आने वाले एपिसोड में राधा को अब यहाँ पर अपनी पत्नी मानने से पूरी तरह से इनकार करने वाला है मोहन, और उसके साथ साथ यहाँ पर अब राधा एक सबसे बड़ा प्लान बनाकर वो एग्जीक्यूट करते हुए नजर आने वाली है, जिसके साथ साथ एक तरफ कई सारी खुशियाँ, वहीं दूसरी तरफ राधा के तरफ काफ़ी ज़्यादा बुरा बर्ताव अब यहाँ पर मोहन का देखने को मिलने वाला है। और वहीं आने वाले एपिसोड में दामिनी एक बार फिर से गलत साबित होने वाली है। मोहन के सामने वो अपने आप को मारने की कोशिश करने की यहाँ पर पूरी तरह से ट्राई करेगी, लेकिन यहाँ पर उसका एक बार फिर से नाटक उसके काम आ जाएगा, यानी कि एक बार फिर से वो अपने आप को यहाँ पर एक सबसे बड़े नाटक का हिस्सा बनाते हुए दिखाई देगी। और दामिनी एक बार फिर से यहाँ पर वहाँ पर मोहन के घर पर रुकने में कामयाब हो पाएगी, और उसके साथ साथ कई सारी और भी ट्विस्ट आएंगे। तो चलिए आपको सारी बातें बताते हैं क्या क्या होगा खास आने वाले एपिसोड में, लेकिन उसे बताने से पहले आप सब एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट लाते रहते हैं। आप एक लाइक करेंगे हमें अप्रिसिएशन मिलेगी, और हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा कराते रहेंगे। आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि अब यहाँ पर राधा पूरी कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह से वो यहाँ पर कामयाब हो जाए, और उसके साथ साथ वो कामयाब भी हो गई, लेकिन एक बार फिर से दामिनी ने यहाँ पर चाल चली और अपने आप को मारने की कोशिश करने की पूरी तरह से यहाँ पर बोलते हुए नजर आई। लेकिन अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब यहाँ पर राधा एक बार फिर से कामयाब हो जाएगी, वो भी दामिनी को गलत साबित करने में, जिसके बाद में दामिनी बेहोशी का नाटक करेगी, और यहीं पर आएगा मोहन को गुस्सा, और मोहन यहाँ पर राधा को अपनी पत्नी पहले मानने से इनकार करेगा, उसके साथ साथ वो यहाँ पर राधा को कभी पत्नी का दर्जा नहीं देगा ऐसा बोलते हुए नजर आएगा। लेकिन राधा यहाँ पर पूरी तरह से उस बात पे भी एग्री करती है, ताकि वो अब यहाँ पर गुनगुन को यहाँ पर संभाल सके, और उसके साथ साथ उसके साथ में यहाँ पर अब तुलसी भी है, जिसके बाद में कहानी पूरी तरह से बदलते हुए नजर आएगी। तो आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बता देना।